हेलो चिल्ड्रन, मैं अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से प्लस सिंबल से साड़ी का किनारा का चित्र बनाना सिखाएंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा तो आपको जो है साड़ी का किनारा का चित्र बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यहाँ पे आप पहले तो एक रेक्टेंगल शेप में यहाँ पे आप रेक्टेंगल बना देंगे, फिर इसके बाद एक बराबर शेप में यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब देखिएगा यहाँ पे हमें कैसे बराबर शेप में यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिएगा। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे बीच वाले हिस्से में हम ऐसे एक प्लस सिंबल यहाँ पे बना देंगे। इसी तरह आप यहाँ पे बना दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं मैं कोई और ड्राइंग बनाऊं तो भी आप हमें कमेंट करिए, हम आपके लिए वो ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपके लिए बनाना सिखा देंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पे प्लस प्लस हो गया। अब आपको करना क्या है देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हमें जो है एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना होगा। सेम प्रोसेस आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ ही करते रहिएगा, यहाँ से फिर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल का यूज करिएगा प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे ऐसे आगे की तरफ बढ़ा देना होगा। आगे की तरफ बढ़ाने के बाद अब हम आ जाते हैं इस वाले पॉइंट पे। इसको जो है सेम प्रोसेस करते हुए जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, इसी तरह एक लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे भी आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। और प्यारे बच्चों, अब आप हमें जो है टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ जाकर हमें फॉलो कर लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करिएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आप केवल वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे बच्चों जल्दी से मार्कर और पेपर उठा लीजिए और मेरे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये साड़ी का किनारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपने शायद कभी ना कभी बनाया होगा प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद इस पॉइंट से ऐसे हम यहाँ पे मिला देंगे, इसी तरह आप यहाँ पे मिला दीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका, बस आपको सिर्फ लाइन लाइन ड्रॉ करना है और साड़ी का किनारा का चित्र बनके तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइएगा, जैसे हमने जहाँ से पहले स्टार्ट किया था यहाँ पे आ जाएंगे हम। फिर इसके बाद इसको ऐसे मिला दीजिए, सेम प्रोसेस आप यहाँ पे रिपीट कर दीजिए। देखिए कितना आसान है, यहाँ पे ऐसे मिला दीजिए, फिर इसके बाद जल्दी जल्दी से यहाँ पे मिला दीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कीमती होता है प्यारे बच्चों। तो इसको हम ऐसे यहाँ पे मिला देंगे, फिर यहाँ पे भी आप ऐसे कर दीजिएगा और यहाँ पे भी कर दीजिए। और प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं मैं कोई और ड्राइंग बनाऊं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे बार बार पूछता रहता हूं प्यारे बच्चों कि अगर आपके मन में कोई ड्राइंग है या आप चाहते हैं या आपके स्कूल में कोई प्रोजेक्ट मिला हो तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपके लिए वो ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखा देंगे। तो चलिए अब हम जो है साड़ी के किनारे को कलर करना भी सीख लेते हैं।